फिर से वापस आ चुका मेरे नेवड़ के साथ। आज कुछ में हम बात करेंगे टीम वाइटैलिटी के बारे में। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कह देना चाहूंगा कि ये पूरा मेरा ओपिनियन है, मेरा ऑब्जर्वेशन है टुवर्ड्स टीम वाइटैलिटी, जो मैंने देखा है उनके प्लेइंग स्टाइल में, जो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे टीम वाइटैलिटी से, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। एक प्ले को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे जो वाइटैलिटी इंडिया ने खेला है इन दिस विलेजर ईस्पोर्ट्स के शोडाउन में, जो अभी रिसेंटली चल रहा है। आज आई थिंक डे 4 था, एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो जब आप देख लो ये आपको डे 5 के शुरू होने से पहले देखने को मिलेगा। सो बट पहले को वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप लोग नए हो तो, एंड ऑफ कोर्स ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे सारा कॉन्टेक्स्ट टीम वाइटैलिटी में कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूं। अभी मेन स्क्वाड में इज मेहुल, दीपू, संगम एंड एजन। तो ये जो तीन प्लेयर्स हैं ये आपको खेल मंडप ई स्पोर्ट्स में खेलते हुए देखने को मिल चुके हैं इन वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप, इन प्रो लीग, तो आप लोगों को पता है इन प्लेयर्स का पोटेंशियल। मेहुल पहले एक मतलब आई थिंक म्यूटेंट्स में खेल चुके हैं, नोबल में खेल चुके हैं, काफी ऐसे ट्रू रेपर्स में खेल चुके हैं, काफी ऐसी टीम्स हैं जहां पे मेहुल खेल चुके हैं, वो भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। एंड ऑफकोर्स फैब इंद्रो को हम कैसे भूल सकते हैं, आई थिंक ही इज ऑलरेडी एक कह सकते हैं कि जैसे फौजी भाई को गिना जाता है, जैसे आइकॉनिक को गिना जाता है आई टॉप आईजीएल्स में इंडिया के, तो फैब इंद्रो इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट मतलब रिस्पेक्टेड प्लेयर्स इन द कम्युनिटी एंड बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं। बट आई थिंक रिसेंट टाइम में वाइटैलिटी इंडिया अपने पोटेंशियल में, जो हम लोगों ने सोचा था कि जब ये टीम अनाउंस हुआ था, एक्चुअली जब अनाउंस हुआ तब से आई थिंक कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट तो हुआ नहीं है, तो हम बहुत बड़ा स्टेटमेंट या बहुत बड़ा जजमेंट तो पास आउट नहीं कर सकते। बट जो भी जितने भी यू नो प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स हुए हैं या फिर लोकल स्क्रिम्स हुए हैं वहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है अप टू द मार्क, बिल्कुल भी मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा एंड मुझे लगा था कि फैब इंद्रो भी प्लेइंग 4 में होंगे, जो कि नहीं रहा है। अब मैं आप लोगों को एक एक प्ले करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे मैं प्ले करता हूँ ये एक फाइट है टीम टीटी के साथ, टीटी मतलब आपकी टीम टाइकून्स, टाइकून्स के साथ फाइट है आपका वाइटैलिटी का। अब ऊपर रिच पे तीन प्लेयर्स हैं, नीचे डाउन द रिच पे वाइटैलिटी के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। पहला नॉक आता है मेहुल का, आई थिंक जो एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है एज अ टीम एज अ प्लेयर कि आप अगर डाउन द रिच हो, अगर आप अपॉर्चुनिटी दे दो सामने वाली टीम को तो आपको पहला नॉक निकाल के नहीं दे रहे, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। अब देखिए संगम वहां पे नॉक हो जाते हैं, हालांकि दीपू ने एक प्लेयर को नॉक एंड फिनिश ऑफ करके दिया बट मेहुल को यहां पे रिवाइव करने कोई ऑप्शन नहीं है। स्केरी को देखिए कंटिन्यूअस प्रेशर जमा रहा है दीपू के ऊपर, ऑफकोर्स फिर भी अपर रिच पे एडवांटेज है उन प्लेयर्स के पास, दीपू यहां पे खत्म हो जाएंगे। हालांकि गाइस ये फाइट वाइटैलिटी ने जीता है, ठीक है, वाइटैलिटी ने जीता, मैं आपको उनकी गलतियां बताऊंगा। अब देखिए ठीक है, यहां पे देखिए ये फाइट हार गए, दीपू भी यहां पे हार गए ये फाइट, ऐसे यहां पे अपने मैक्स 7 के साथ पहले टेक डाउन करते हैं एक प्लेयर को जायन को, सामने अभी भी दो खिलाड़ी बचे हुए हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एजन का माइंडसेट, ये मैं हमेशा कहता हूं ना कि एक्सेप्शनल प्लेयर बनने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, आपको कुछ चीजें पुल ऑफ करनी पड़ती है तभी आप ऐसा सिचुएशन कन्वर्ट कर सकते हो। देखो नेडिंग देख रहे हो आप इसका, मैं पहले ही भी इसका इस लेवल का नेडिंग देख चुका हूं WEC में प्रो लीग में एंड मैं जानता हूं इस प्लेयर का पोटेंशियल, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये प्लेयर एक नंबर वन दर्जे का प्लेयर है। ये आखिरी नेड आएगा, इसको भी डॉच कर देते हैं मिकी, एक और नेड डालता है, मतलब कंटिन्यूअस प्रेशर एंड ऑफकोर्स टीम एलिमिनेट हो चुकी है। बट अब अगर आप इसको एक हाईएस्ट लेवल पे सोचोगे, क्या कोई टीम इनको छोड़ने वाली थी, अगर एजन यहां पे ना होते तो क्या होता, टीम वाइटैलिटी ऑफ कोर्स यहां पे एलिमिनेट हो सकते। मुझे ऐसा लगता है कि हर बार मेहुल एक बहुत एग्रेसिव प्लेयर में से माने जाते हैं, ठीक है, एंड उनका ना वो वीरेंद्र सहवाग वाला स्टाइल है कि या तो मारो या तो जाओ, वो वाला सिचुएशन है, और अभी तक उनका वो जो मारने वाला स्टाइल है अभी तक चला नहीं है और ये काफी दिनों से चल रहा है। आई थिंक एजन के अलावा वाइटैलिटी में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, संगम कभी कभार कर रहा होता है बट आई थिंक वाइटैलिटी में एजन के अलावा एंड संगम के अलावा अभी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। मेहुल एंड आई थिंक दीपू के लिए स्टेप अप करने का टाइम आ चुका है, फिर भी यू नो थोड़ा टीम कोऑर्डिनेशन में तालमेल में कभी कभार गड़बड़ी लग जाती है, ये आई थिंक हो सकता है, आई डोंट नो, ये शायद वाइटैलिटी के प्लेयर्स अच्छे से बता सकते हैं। क्या कोई लैंग्वेज बैरियर आता है, क्योंकि देखिए मेहुल हमारे इंडिया से है, नॉर्थ से है वो बंदा, अब तीन बाकी नेपाल के प्लेयर्स है तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, क्योंकि उनका क्या वो हिंदी में कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं या फिर नेपाली में कॉल आउट देते हैं, मोस्टली हिंदी में कर रहे होंगे क्योंकि मेहुल की वजह से सबको हिंदी में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और ऐसे फाइट्स में अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स फिर तो हो गया काम खत्म, मतलब तो ये सिचुएशन देखना काफी जरूरी है। देखिए मेहुल कितना आगे है, आप देखिए मेहुल का पोजीशन देखिए यहाँ पे, एक्चुअल मेहुल का पर्सपेक्टिव तो नहीं दिख रहा है बट मेहुल कितना आगे है और जायन ने एक ग्लू वॉल ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस करके रखा है, तो ये छोटी छोटी चीजें एज अ प्लेयर आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए आप डाउन द रिच पे है, आपको ऊपर चढ़ाई करनी है, ऊपर ऑलरेडी तीन तीन प्लेयर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्कैरी है इधर यहाँ पे जो दीपू वाले एंगल पे, ये वाले एंगल पे स्कैरी है, बट पहला नॉक ही अगर आप ऐसे हो जाओगे
तो आपके टीम को फाइट बैक करने का मौका नहीं मिलेगा। हर बार ये एजन के लिए पॉसिबल नहीं होगा ऐसे नेट्स के साथ क्लचेस निकालना। सो आई थिंक दिस इज अ इशू जो अभी वाइटाली के साथ चल रहा है। अब आप लोग ये बोल रहे हैं क्या हो रहा है भाई, इसका कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सोल्यूशन है, आई थिंक थोड़ा और गेम टाइम देना पड़ेगा इन लोगों को, कोऑर्डिनेशन और इम्प्रूवमेंट, कोऑर्डिनेशन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए इंडिविजुअल प्लेयर्स तो काफ़ी बहुत ज़्यादा उमदा है ये लोग, इनके प्लेइंग स्टाइल में मैं कोई वो नहीं निकालने वाला हूँ क्योंकि इन लोगों को मेरे से बेहतर पता है और बहुत लोगों से बेहतर पता है कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, इसीलिए वो उस मैदान में खेल रहे हैं। बट कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन नहीं होगा और अगर आप हर बार ऐसे सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में नॉक हो जाओगे फिर तो बहुत मुश्किल है आपकी टीम के लिए वो फाइट जीत पाना। मुझे क्यों लग रहा है, मुझे अभी भी लग रहा है कि इंद्रो भाई अगर इन तीनों प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। बट स्टिल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड नो कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है मेहुल के ऊपर। ऑफकोर्स मैं मेहुल को बहुत पहले से जानता हूँ एंड आई एम सीइंग हिम, मैं 2020 से उसको खेलते हुए देख रहा हूँ, उससे पहले से तो वो काफ़ी समय से फ्री फायर में है। बट आई स्टिल ही स्टिल नीड्स टू इम्प्रूव ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देखते हैं कि क्या करते हैं वाइटैलिटी इसके बाद, क्योंकि मैं तो जरूर देखना चाहूँ कि मुझे अच्छा लगता है कंपटीशन देखना एंड जब वाइटैलिटी का टीम अनाउंस होता तो मुझे लगा था कि यार क्या बात है, क्या टीम बना है, अब तो मज़ा आएगा। बट अभी तक वो मज़ा और वो मिर्च मसाला देखने को नहीं मिला फ्रॉम वाइटैलिटी साइड जो एज अ सीरियस थ्रेट नजर आएगा। अभी सिर्फ एक आध प्लेयर परफॉर्म करें, जब तक वो एज अ यूनिट परफॉर्म नहीं करेंगे आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा उनको, थोड़ा टाइम आई थिंक अभी भी ले रहे हैं, इसीलिए जब तक ऑफिशियल टूर्नामेंट आ नहीं जाता तब तक ये लोग ट्राई आउट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट स्टिल आई थिंक अगर इंद्रो भाई आप सुन रहे हैं, एक मैच में या फिर एक टूर्नामेंट में या फिर दो टूर्नामेंट में आप खुद ट्राई आउट कर दिखते, बट एनीवेज वही चीज़ ना कि उनको बेहतर पता है कैसी चीज़ों को हैंडल करना, कैसी चीज़ों को मैनेज करना है। ये मेरा ओपिनियन था एज एन एनालिस्ट, जो मैं सोच रहा था, मुझे जो लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को जरूर से कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हो सकता है इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑफकोर्स क्या इंद्र भाई को आना चाहिए इन द गेम एंड थोड़ा बहुत अपने टीम से कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करके देखना चाहिए, या फिर कभी एक प्लेयर को चयन किया, कभी मेहुल इंद्रो भाई दोनों खेल रहे हैं, फिर थोड़ा इंडियन वाला मेथड ट्राई आउट किया जा सकता है क्योंकि तीनों प्लेयर्स चारों के चारों प्लेयर्स एक्चुअली बहुत यंग है एंड इन गेम क्विक डिसीजन मेकिंग में बहुत गलती हो रही है, रोटेशन में बहुत ऑफ गार्ड पकड़े जा रहे हैं इस वजह से। हालांकि उन्होंने आई थिंक एक टूर्नामेंट जीता था रिसेंट टाइम में, आई थिंक वो गेम डॉट टीवी का एक छोटा रीजनल स्क्रिम था वो जो वीकली होता है वो जीता था उन्होंने, तो वहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने की है उसको थोड़ा सा ट्राउट करने की कोशिश करेंगे तो शायद से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दैट शुड बी इट, ये वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देखने में मजा आया हो एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बिना मेरे चैनल को जाना नहीं, तब तक क्लियर से नहीं उसका मिलते हैं अगले वीडियो में।